हार्ले डेविडसन, फोर्ड और केयरफॉर, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं और ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया को एक वक्त पर छोड़ के चले गए थे और अब ये इंडियन मार्केट में री एंट्री की राह तलाश रहे हैं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिरकार भारत में ऐसा क्या ही हो गया था कि ये ब्रांड्स इंडिया को छोड़कर चले गए थे और अब ऐसा क्या हो गया है कि ये ब्रांड्स वापस से इंडियन मार्केट में आना चाह रहे हैं। एक ऊपर ऊपर से अगर जवाब दे तो ये हो सकता है कि भारत इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, यूके हो, एक सुस्ती का सामना कर रही हैं। वहीं पर इंडिया ने साल 2023 के अंदर 7% की GDP ग्रोथ दर्ज करी, जिससे पता चलता है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया का जो फ्यूचर है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वहीं पर ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया की जो आबादी है ये इस वक्त फैसिलिटेट करती है कंज्यूमिंग मार्केट को। आपको पता होगा कि भारत अब चीन से भी सबसे बड़ी आबादी है, यानी कि हमारे देश की जो आबादी है वो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और ये भी एक इशारा करता है कि हमारे देश में जो कंजम्पशन पैटर्न है ये बहुत हद तक बढ़ने वाला है। और यहाँ पर एक बड़ी आबादी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा यंग है, यानी कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा रिच है। ये आबादी कल को अर्न करेगी, कोई बिजनेस करेगी, जॉब करेगी, जो पैसा कमाएगी उससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उसी के साथ जो खर्चे होंगे उसे भी अब इंटरनेशनल ब्रांड्स टैप करना चाहते हैं। बता दें आपको कि एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसका नाम है राइज ऑफ इंडियन एफ्लुएंट। इस रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया है कि भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे 12 गुना तेजी से देश के अंदर एफ्लुएंट इंडियंस का नंबर बढ़ रहा है, यानी कि वो इंडियंस जो सालाना $10,000 से ज्यादा की अर्निंग करने वाले हैं। और इसी के तहत गोल्डमैन सैक्स एस्टिमेट करता है कि साल 2027 वो साल होने वाला है जब देश में 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ इंडियंस ऐसे होंगे जिनकी ईयरली इनकम $10,000 से ज्यादा होगी। और जब इंडियन मिडिल क्लास इतना राइज करेगा, इंडियन एफ्लुएंट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो उनका स्पेंडिंग भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और यही बड़ा रीजन है कि अब इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत के मार्केट को मिस नहीं कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ब्रांड्स की इंडिया वापसी के लिए कुछ इंडियन ब्रांड्स जैसे कि रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप एक्टिवली काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि आदित्य बिरला ग्रुप ने अगले 5 सालों के लिए टारगेट रखा है कि वो इंडियन मार्केट में $5 बिलियन की स्पेंडिंग करने वाले हैं केवल रिटेल सेक्टर में। वहीं पर रिलायंस ने भी रिलायंस रिटेल को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हुए हैं। आपको पता होगा कि इन्होंने एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही तैयार किया हुआ है मुंबई के अंदर, जो लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि बैलेंसियागा, लुई विटॉन, इन्हें केटर करने की कोशिश करता है। वहीं पर टाटा भी अपने जूडियो और ट्रेंड ब्रांड के थ्रू रिटेल मार्केट में तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है और इंडियन मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, साल 2024 के ही अंदर हमने कुछ बड़े लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि बैलेंसियागा, अरमानी को जियो वर्ल्ड प्लाजा जो कि मुंबई में सिचुएटेड है वहां पर अपनी एंट्री लेते हुए देखा, जो पहली बार इंडियन मार्केट में एंट्री ले रहे थे और उन्हें इतनी ज्यादा कामयाबी मिली है कि वो लाखों रुपए रेंट महीने का तो पे ही कर रहे हैं। इसी ही के साथ वो अपनी एक्सपांशन दिल्ली के मार्केट में भी करना चाहते हैं, यानी कि वो देश के अलग अलग जो हाई प्रोफाइल सिटीज हैं वहां पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जो इंडियन एफ्लुएंट क्लास है उसे टारगेट करना चाहते हैं। और दोस्तों, इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को सहारा मिल रहा है इंडिया के बढ़ रहे कंजम्पशन का। अगर हम साल 2023 से बात करें तो 11 के करीब नए मॉल्स ओपन हो चुके हैं, जो देश के 8 के करीब बड़ी सिटीज में ओपन हुए हैं, जिसमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे शहर शामिल हैं जहां पर बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमने देखा कि किस तरह से 6 मिलियन स्क्वायर फीट तक का जो रेंटल एरिया है इसे एक्वायर किया गया है इन ब्रांड्स के द्वारा, ताकि वो अपने स्टोर्स वहां पर ओपन कर सकें। लेकिन दोस्तों, आज जहां पर ये इंटरनेशनल ब्रांड्स वापस से इंडिया में एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आ गया था जब इन्हें मजबूरी में इन मार्केट को छोड़ना पड़ा था। अगर हम अमेरिकन ब्रांड हार्ले डेविडसन की ही बात करें, जो कि प्रीमियम बाइक कैटेगरी में काम करते हैं, उन्होंने साल 2020 के सितंबर महीने में अपना कारोबार यहां से समेट लिया था और उस कारोबार को समेटने में ही इन्हें $75 मिलियन यानी कि 550 करोड़ रुपयों का खर्चा आया था। बता दें आपको कि हार्ले डेविडसन की मजबूरियां इस वजह से भी बढ़ गई थी क्योंकि इंडिया में उसे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा था लोकल ब्रांड से और जो अदर ब्रांड्स यहां पर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि होंडा, हीरो, टीवीएस, बजाज, इनकी प्रीमियम बाइक्स का बहुत ही भयंकर कंपटीशन हो रहा था।
हार्ले डेविडसन की बाइक से। हार्ले डेविडसन के ऊपर पहले भारत की सरकार 100% के करीब का इंपोर्ट टैरिफ रखती थी, यानी कि अगर उनके बाइक के कंपोनेंट्स यहां पर आते हैं तो 100% के करीब का इंपोर्ट टैरिफ उन्हें देना पड़ता था। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका ने इस पे एतराज जताया, उसके बाद से इन इंपोर्ट्स को कम करके 50% कर दिया गया, लेकिन इससे भी हार्ले डेविडसन का मार्केट कुछ खास नहीं बढ़ा। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स सेल की जाती हैं, जिस मार्केट में एक साल के अंदर 1,70,00,000 से भी ज्यादा बाइक्स सेल होती हैं, वहां पर हार्ले डेविडसन हार्डली एक साल के अंदर 3,000 के करीब यूनिट्स ही सेल कर पा रहा था। यही एक बड़ी रीजन है जिसकी वजह से हार्ले डेविडसन को इंडियन मार्केट को एग्जिट करना पड़ गया। और वहीं पर दोस्तों शीन, जो कि एक चाइनीज लग्जरी ब्रांड है जो महिलाओं को केटर करती थी, इसे भी साल 2020 में इंडियन मार्केट को छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार ने उस वक्त इसके ऊपर कड़े एक्शंस लिए। आपको याद होगा कि साल 2020 में गलवान वैली क्लैश हुए थे, जिसके चलते भारत सरकार ने चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस पर कड़े एक्शन लेते हुए इन्हें बैन कर दिया, और शीन इनमें से एक था। और अब मार्केट में ये बात आम हो चुकी है कि रिलायंस के साथ शीन एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहा है ताकि वो इंडियन मार्केट में अपनी री एंट्री एस्टैब्लिश कर सके। दोस्तों रिलायंस रिटेल इंडिया के रिटेल मार्केट में बहुत बड़ी बेट्स कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि चीन के साथ वो इंडिया में कोलैबोरेट करने वाले हैं, उसी ही के साथ उन्होंने बैलेंसियागा और अरमानी के साथ भी कोलैबोरेशंस किए हुए हैं। साथ ही में ये अपने कुछ पुराने ब्रांड्स, जिनको लेकर आजकल कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंपा को हाल ही में रिलायंस ने अक्वायर किया था और कैंपा की रीब्रांडिंग पर काम चल रहा है। आपको टीवी पर अब कैंपा से रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स इवेंट पर कैंपा से रिलेटेड एड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि रिलायंस इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को वैसे ही टारगेट कर रहा है जैसे कि पेप्सी और कोका कोला यहाँ पर करते हैं। दोस्तों ये जो ब्रांड्स हैं, ये इंडियन मार्केट में इसलिए भी री एंट्री कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार अपनी पॉलिसीज में कुछ बड़े बदलाव कर रही है। वो जानती है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, और इसके चलते बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज डिवाइस की जा रही हैं, जिसे बताया जा रहा है कि भारत के अंदर व्यापार करना, बिजनेस करना कितना आसान हो चुका है। और इसी के चलते बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया के रूट पर आ रहे हैं। साथ ही में चाइना में आपको पता है कि एक बड़ा स्लोडाउन चल रहा है, जिसके चलते भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे मार्केट्स को इसका फायदा मिलने की बात कही जाती है। दुनिया के बड़े ब्रांड्स चाइना प्लस वन पर फोकस कर रहे हैं। आपने एप्पल के बारे में सुना होगा, ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि किस तरह से एप्पल ने धीरे धीरे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है वो इंडिया में शिफ्ट करना शुरू किया है, और रिकॉर्ड लेवल पर $12 बिलियन से भी ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने अब तक अपने एक्सपोर्ट्स किए हैं आईफोन के, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़त होगी। फिलहाल एप्पल इंडिया में सिर्फ आईफोन्स की ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और आगे आने वाले वक्त में मैकबुक्स और आईपैड्स जैसे डिवाइसेस को भी यहां से मैन्युफैक्चर करके दुनिया में भेजा जाएगा। ये भारत की मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड वाले विजन पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। और दोस्तों ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए $665 बिलियन के करीब थे। हमारे देश के 5 करोड़ लोगों की आजीविका यानी कि उनकी जॉब्स एक्सपोर्ट मार्केट पे डिपेंड करती हैं, यानी कि जितना एक्सपोर्ट होता है उनकी जॉब्स पर उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी जीडीपी का एक्सपोर्ट ऑलरेडी 20% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और आने वाले वक्त में अगर हम ऐसे ही एक्सपोर्ट्स करते जाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शंस करते हैं, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत सारे देशों के साथ वो कम होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी, जिसके वजह से हमारा व्यापार घाटा पड़ता है, उसमें भी गिरावट आने की बात कही जा रही है। और दोस्तों अगर ग्लोबल एक्सपोर्टिंग मार्केट्स की बात करें तो चाइना इसमें बहुत आगे है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त ग्लोबली 18वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और हमें इसमें अगर और ज़्यादा प्रगति करनी है तो हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया में इनवाइट करने की ज़रूरत है ताकि वो इंडिया पे रिलाई कर सकें, इंडिया के लेबर फोर्स पर डिपेंड करके यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकें और दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। दोस्तों और इसी ही के साथ कुछ बड़े बदलाव भी इंडियन मार्केट्स में होते जा रहे हैं। कुछ बड़े लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि वेलेंटिनो, मैकलारन, बैलेंसियागा, ये तो इंडिया में एस्टैब्लिश हो ही चुके हैं, लेकिन अब ये एक्सपेंशंस पर भी फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते ये बहुत सारा रेंटल स्पेस रेंट पे ले रहे हैं।
साल 2023 के अंदर ही 6 मिलियन स्क्वायर फीट की जो जमीन है उसे रेंट पे लिया गया है और ये नंबर साल 2019 के मुकाबले अब तक का सबसे हाईएस्ट है, जब साल 2019 में 6.8 मिलियन स्क्वायर फीट की जो जमीनें हैं उन्हें रेंट पे लिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि रेंटल यील्ड भी इन ब्रांड्स के आने से कितना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ बड़े कंसर्न्स बने हुए हैं, भले ही इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच में टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज पर भी फोकस करना जरूरी हो जाता है। डेटा बताता है कि ज्यादातर ये जो रिटेल स्टोर्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये टीयर वन सिटीज पर ही फोकस कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, और यहाँ पर जो अर्निंग पॉपुलेशन है ये बाकी देश के मुकाबले ज्यादा रहती है। और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा देश का जो विकास है ये समावेशी हो, यानी कि टीयर टू में जितनी ग्रोथ हो रही है वैसी ही ग्रोथ टीयर थ्री में भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो पाएगा और हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है ये भी तेज बढ़ पाएगा। फिलहाल पर कैपिटा इनकम के मामले में हम 200 से भी ज्यादा देशों की लिस्ट में 130वें नंबर पे आते हैं, $3,500 के करीब, यानी कि $3,500 पर ईयर के करीब हमारे देश का पर कैपिटा है। वहीं चाइना का पर कैपिटा देखिए तो ये $13,000 पर ईयर के करीब है, जो हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। क्या लगता है आपको कि सरकार बाकी के एरियाज के डेवलपमेंट और वहां के विकास के लिए क्या बड़े कदम उठा सकती है? अपने राय कमेंट पे जरूर बताएं। और क्या आपको उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ये इंडिया में एक्सपांड करेंगे और इंडियंस की जो अर्निंग है इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।